वेलकम टू मैट जियो ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है। कोशिश करिएगा क्योंकि हम इसको तीन पार्ट में आपके रिप्रेजेंट करेंगे और तीनों पार्ट आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है और तीनों पार्ट ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अब ज्योग्राफी है क्या, उसका बैकग्राउंड समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ जो है आपके तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग हासिल करेंगे, तभी जो है हम लोगों को ज्योग्राफी जो है पढ़ने में मजा आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? अब आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं हेरोडोटस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ज्योग्राफी इज टू बी ट्रीटेड एज हिस्टोरिकली एंड हिस्ट्री शुड बी ट्रीटेड एज ज्योग्राफिकली। तो हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली अप्रोच से अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री समझ में आएगी, और ज्योग्राफी को अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच में देखेंगे तो हमें ज्योग्राफी समझ में आएगी। तो उनका कहने का मकसद क्या था, वो क्या कहना चाहते थे, जब हम इसको पढ़ाएंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या रिलेशन है या क्यों हम लोग ने वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत किया। तो जो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा वो होगा आपका अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जब हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री को जान जाएंगे तो फिर इसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड पार्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन ग्रीस एंड रोम। क्योंकि जो आपके डेवलपमेंट हुआ है खासतौर से ग्रीक लैंग्वेज में हुआ है आपको पता है, और जो डेवलपमेंट का रीजन था वो मेनली ग्रीस था, ग्रीस में ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। उसका रीजन क्या है वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रीस और रोम, क्योंकि मेनली अगर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में कि उन्होंने ही सारी चीजों को इन्वेंट किया, उन्होंने सारी चीजों को जानने की कोशिश करी और उन्होंने सारी चीजों को बताने की कोशिश करी। तो आप खुद देखेंगे कि उनका डेवलपमेंट जो है वो ग्रीस और रोम से क्यों हुआ, और ग्रीस और रोम में ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो कैसे हुआ, क्या ग्रीस और रोम के ज्योग्राफर ने ही सारी चीजों को बता दिया या इसका कुछ लेना देना है इस वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो ये जो है आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को आपके डिस्कस कर एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए हम लोगों को इन दोनों चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट एज अ कंप्लीट साइंस। ज्योग्राफी हमेशा ट्रीट किया जाता है एक आर्ट सब्जेक्ट की तरह, लेकिन ज्योग्राफी कंप्लीट साइंस है, पूरी फिजिक्स है। फिजिक्स की बहुत सारी थ्योरीज आप देखेंगे लगेगा, और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं जब आप हमसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, चाहे वो विंड का फ्लो हो, चाहे वो आपके ओशंस में जो है आपके एक तरह से ओशनिक करंट्स का फ्लो हो, या फिर कोई भी फिनोमेना जो हो रहा है वर्ल्ड में, वो सारी की सारी चीजें किससे कनेक्टेड है, वो सब के सब कनेक्टेड है आपके एक तरह से जो है साइंस से। साइंस की थ्योरीज पर ही सारी चीजें बेस्ड हैं। ज्योग्राफी अगर सिर्फ आप किताबों में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी को पढ़ा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जैसे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ डालिए 6 to 12, जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी है, वन डे एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है, प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए भी जरूरी है, हर जगह पर आपके एक तरह से आपके एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं, चीजों को याद कर रहे हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि याद करने वाला हो, यही चीज हम प्रूफ करेंगे इस थर्ड पार्ट में। जब आप थर्ड पार्ट में आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट ही नहीं है कि जिसे याद किया जाए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक तरह से अगर आप देखें तो पूरा साइंटिफिक अप्रोच है, पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, और साइंटिफिकली अगर आप पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे आपका मार्क्स जो मुख्य परीक्षा का है, मेंस का है, कितना अच्छा जो है आपके उठता है। और ये जो आप कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे,
ये कंप्लीट ज्योग्राफी आपका जो एक तरह से जो आपका जीएस है जनरल स्टडीज वो तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। आप देखिएगा मोर देन 60% आपका कवरेज हो जाएगा किसका, आपका पूरे सब्जेक्ट का, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा 60 to 75%। सिर्फ 25% मेनली जो है आपके चीजें एक्स्ट्रा बचेंगी जो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लगभग लगभग आपका कॉन्सेप्ट अप टू 75% ज्योग्राफी वो आपके कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग आते हैं देखिए तीन पार्ट में, तीन पार्ट से हम लोग होकर के गुजरेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को जो है आपके स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से, कि वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। देखिए जो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ वो क्या था, वो आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मेडिटेरेनियन सी में हुआ, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। जो मेन डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट का रीजन ये है जहां पे सबसे ज्यादा जो है आपके डेवलपमेंट्स हुए, और इस जगह पर ही क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, क्योंकि पहले जो दुनिया थी वो ये थी, ये टोटल दुनिया थी। और जो इनिशियल मैप्स बने हैं, अगर आप जितने भी आपके लोगों ने मैप बनाए हैं, चाहे स्ट्रैबो का मैप देख लीजिए, एनाक्सिमेंडर का मैप देख लीजिए, आपके इराटोस्थनीस का मैप देख लीजिए, जितने भी आपके इस तरह के मैप बने हैं उन सब में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड को कैसे दर्शाया गया, यूरोप दिखाया गया। पहले अफ्रीका का नाम लीबिया था, लीबिया भी एक देश है, लेकिन पूरे ये जो आपके लीबिया आपको दिख रहा है ये एक देश है, लेकिन पूरे को कंप्लीट लीबिया कहा जाता था पहले, पूरा अफ्रीका अफ्रीका नहीं नाम था इसका, लीबिया था। और एशिया ये था कुछ दूर तक, यहां पर जानकारी थी, ये पूरा वर्ल्ड था। लोग यहीं पे रहते थे तीन जगह पे, ना इस पूर्वी क्षेत्र में कोई रहता था, ना कोई ऑस्ट्रेलिया को जानता था, ना कोई न्यूजीलैंड को जानता था, ना कोई एंटार्क्टिका को जानता था, ना नॉर्दर्न अमेरिका को कोई जानता था, ना सदर्न अमेरिका को कोई जानता था। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था, ये रीजन्स अननोन थे, किसी को नहीं पता था इसके बारे में। और हैबिटेट नहीं था, लोग जो है आपके एक तरह से जो लोग थे वो रिसाइड नहीं करते थे, इसी रीजन में लोग रहा करते थे। तो जितने भी अब प्राचीन समय में अगर आप देखेंगे सभ्यताओं की बात आती, सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई आप देखेंगे वो ज्यादातर या तो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, ज्यादातर जो सभ्यताएं बसी हैं वो नदियों के किनारे हैं। क्यों? वजह ये होती थी कि नदी में वाटर, वाटर का सोर्स है नदी, और वाटर का सोर्स क्योंकि रिवर होती है इसलिए, और पानी की जरूरत जीवन में हर हर चीज के लिए चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप पियेंगे भी तो पानी पियेंगे, आप खाना भी बनाएंगे तो भी पानी में बनाएंगे, आप नहाए धोएंगे तो भी जो है आपके एक तरह से पानी यूज करेंगे, कपड़े धोएंगे तो भी पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी लाइफ में हम लोग के सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके वाटर। इसलिए कभी भी आप देखें, चाहे वो चीनी सभ्यता हो, चाहे वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाहे वो मेसोपोटामिया सभ्यता हो, चाहे वो इजिप्शियन जो है आपके सभ्यता हो, ये सारी सभ्यताएं क्या हुई, नदियों के किनारे बसी। समुद्र के किनारे लोग अवॉइड करते थे, क्यों? समुद्र के पानी को आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सलाइन वाटर होता है, तो आप डायरेक्ट पी नहीं सकते, बहुत ज्यादा जो है सॉल्टी होता है, लवण होता है, उसमें सॉल्ट होता है, तो इसलिए डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है उसका। उससे आप कपड़े बर्तन नहीं धो सकते क्योंकि साबुन में झाग नहीं आएगा, आपको पता है, क्योंकि हार्डनेस हो जाती है वाटर में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहां पर क्या है कि जो समुद्र के किनारे, समुद्र तो काफी थे, तटीय क्षेत्र के किनारे लोग रह सकते थे, लेकिन ज्यादातर सभ्यताएं जो बसी वो सब नदियों के किनारे बसी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो पांचों उसकी ट्रिब्यूटरीज जो कि इंडिया और पाकिस्तान में बहती हैं, तो पूरे वेस्टर्न इंडिया और पूरे पाकिस्तान के पूरे रीजन में जो है आपके एक तरह से वहां पर इन नदियों का प्रवाह है, फ्लो है, जिसकी वजह से आसपास के रीजन में वहीं पर सिविलाइजेशन डेवलप हुई। इसी तरह से इजिप्ट में,
इजिप्ट का क्षेत्र है, यहां से बहती है रिवर नाइल, रिवर नाइल या नील नदी जिसको कहते हैं। तो नील नदी के सहारे लोग बसना शुरू हुए। तो ज्यादातर तो वो क्या थी, वो था इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जितना बसा वो सब इजिप्ट के किनारे, उस इजिप्ट में जो है आपके नील नदी के किनारे। और यहां पर इराक है, ये इराक का क्षेत्र है, और ये इराक का क्षेत्र जो होता है, इराक में दो नदियां गिरती हैं यहां पे। तो इराक के इस क्षेत्र में, ये ईरान है येलो वाला, और ये ब्राउन वाला जो है आपके इराक का क्षेत्र है। तो इराक के क्षेत्र में यहां पर आपके दो नदियां गिरती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, दाजला और फरहात जिसको कहा जाता है। तो ये जो है आपकी नदियां हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स नाम से अब बहती हैं। इसके सहारे पूरी मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, दैट वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी जो कि आपके यहां पर बसी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे जो है आपके चीजें हम लोगों को जो है एक दूसरे से बांधती है। कनेक्शन अगर हम लोग देखें तो हर एक चीज का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। तो अब ज्योग्राफी के डेवलपमेंट का यहां के सभ्यताओं से क्या मतलब है? सभ्यताओं से मतलब था, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ यूनान और रोम के क्षेत्र से डेवलप नहीं हुई। कहां से डेवलप हुई? तो पहले हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट जो आपके एक तरह से मैटर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो कि सभ्यता के रूप में, जैसे हमने आपको बताया कि जो इराक है वहां पे पूरी जो नदी है यूफ्रेट्स और टिग्रिस, तो इन दोनों नदियों के बीच में जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो ये इससे क्या हुआ, क्या यहां पर ज्योग्राफी का क्या लेना देना, इसी चीज को हम लोग जो है आपके नेक्स्ट फेज में जानते हैं। ये है देखिए इराक का मैप, और जैसे ये देख रहे हैं पर्शियन गल्फ है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पर्शियन गल्फ है, ये ईरान के नीचे ये पर्शियन गल्फ दिख रहा है, ये लाल सागर है, रेड सी है, और इधर भूमध्य सागर है, ऊपर कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सी है। वही चीज यहां पर दिख रहा है, देखिए कि ये देखिए पर्शियन गल्फ है, कैस्पियन सागर ये ऊपर दिख रहा है, कैस्पियन सागर है, ये जो है आपके भूमध्य सागर का क्षेत्र है, और जो आपके रीजन है ये पूरा रीजन जो है इराक का है, ये इराक है, और इधर की तरफ है सीरिया, ये सीरिया लिखा भी है, देखिए ये इराक लिखा भी है। तो ये इराक का रीजन है पूरा, और ये है पूरा सीरिया का रीजन। सीरिया के बगल में लेबनान है, और इराक के बगल में ये ईरान का पूरा क्षेत्र है। ये देखिए नदी आ रही है टिग्रिस, लिखा हुआ है, देखिए ये टिग्रिस नदी जा रही है। तो टिग्रिस नदी जो है आपके इस तरह से, टिग्रिस जो है इसको अगर हम लोग देखें तो टिग्रिस ऐसी जो है आपके नदी है जो यहां से फ्लो कर रही है, और ये यूफ्रेट्स नदी जा रही है। दो नदियों के बीच में जो जगह होती है उसी जगह को मेसोपोटामिया कहा गया। ये देखिए ग्रीन से लिखा हुआ है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो को हम लोग आज को हम लोग मीजो भी पढ़ते हैं, मीजो मतलब क्या होता है, मेसो मतलब क्या होता है, मध्य में, और पोटामिया मतलब क्या होता है, रिवर्स। तो रिवर्स के बीच में, तो दो रिवर्स के बीच में जो जगह होती है उसी को मेसोपोटामिया कहते थे। तो यहां पर जो रीजन है उसको मेसोपोटामिया क्यों कहा गया, क्योंकि टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में ये जो पूरा रीजन था वो मेसोपोटामिया। इसी को फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में, अगर पर्शियन लैंग्वेज में कहेंगे, ईरान ईरान के रीजन में जो आपके पर्शिया बोली जाती है, तो पर्शियन लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो इसी को कहा जाता है दोआब। अभी ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे दोआब, दो आब क्यों कहा जाता है, दो मतलब टू, और आब कहा जाता है पानी को फारसी भाषा में। तो दो आब जो शब्द बना है वो दो आब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इलाहाबाद ही ले लीजिए, प्रयागराज जो है वो आपके गंगा और यमुना के संगम के बीच में बसा हुआ है, जहां गंगा और यमुना मिलती है वहां पे ट्रायंगुलर शेप में बीच में इलाहाबाद है।
या प्रयागराज। तो इलाहाबाद या प्रयागराज जो है इस तरह से दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। तो ये भी क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ दो नदियों के बीच का स्थान, और उसी मेसोपोटामिया जो है आपके एक तरह से इराक के क्षेत्र में था। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो मेनली जो आपके जो क्षेत्र था मेसोपोटामिया, ये तीन छोटे छोटे सिविलाइजेशन में बटा, तीन अलग अलग जगह पे साम्राज्य स्थापित थे। और ये जो साम्राज्य था वो कहां पर डेवलप था? एक जो पूरा रीजन है वो आपके एक रीजन जो है आपके ये हो जाता है, ये पूरा रीजन, और एक रीजन जो है आपके ये पूरा रीजन होता है बीच वाला, और ये ऊपर की तरफ एक रीजन। जो नीचे के पार्ट में आपका ये रीजन है इसको अगर हम लोग देखें, बीच में ये है और एक नीचे रीजन, ये जो है जो नीचे वाला रीजन है ये है आपका सुमेरिया। सुमेरियन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो सुमेरिया सभ्यता, ये बीच वाला जो पूरा रीजन है, ये पूरा बीच वाला रीजन जो होता है ये कहलाता था बेबीलोनियन सभ्यता। बेबीलोनियन, तो बेबीलोनियन सभ्यता, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, और ये असीरियन, असीरियन सब जो है सिविलाइजेशन। तो तीन तरह की जो है आपकी सभ्यताएं यहां पर बसी। तो एक था सुमेरियन, एक था बेबीलोनियन और एक था असीरियन, और इसी तीनों को कंप्लीट क्या कहा गया? मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी को मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है आपके एक तरह से तीन प्रमुख सिविलाइजेशन आती है, जिसमें एक सिविलाइजेशन सुमेरियन है, एक बेबीलोनियन है, एक जो है असीरियन है, और एक चौथी भी थी छोटी सिविलाइजेशन जो आपके बसा करती थी वो कैलरिया। तो वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करी, लेकिन ये तीन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप करी। अब इसमें हुआ क्या? ये जो यहां पर जो सभ्यता थी ये सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसकी एज क्या है या कब से इसको माना जाता है? अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की एज क्या मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की एज अगर हम लोग देखें तो वो 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक मानी जाती है। तो 2300 बीसी से 1750 बीसी तक, लेकिन ये और पूर्व पहले की सभ्यता है, ये 4500 बीसी से 2500 बीसी के मध्य बसी हुई सभ्यता थी। तो ये 2000 साल बसी हुई सभ्यता 2000 साल की थी। तो 2000 साल मतलब 4500 बीसी से लेकर के आज जो है आपके 4500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक लगभग जो है आपकी बसी हुई सभ्यता थी। यहां पर क्या है, यहां से लोगों ने शुरुआत कहां से करी? क्योंकि जो पहले आदमी आया जब जन्म लिया होगा उसने, तो पहले तो कुछ नहीं जानता था ना, एक दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई मीडिया, कोई मोड नहीं था आपके एक तरह से अपनी बात को जो है ट्रांसफर करने का, अपनी बात को बोलने का कोई चीज नहीं थी। एक आदमी जो अपने बारे में चीजों को जानता था या जो है अब उसने कोई चीज अगर देखा या सोचा तो वो बहुत ज्यादा कितना कम्युनिकेट कर लेगा, जहां तक जा सकता है। तो हुआ क्या कि इस पूरे रीजन में कोई डेवलपमेंट्स तो हुए लेकिन वो बाहर फैले नहीं, वहीं के वहीं रह गए। यहां के लोग पहले क्या थे? गैदरर्स थे। तो ये आपके एक तरह से चलने वाले लोग, जैसे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कहीं पर खाना मिल गया या फल मिल गया, वहां पे खा लिया, रात बीत गई, फिर दूसरी जगह चले गए। तो इस तरह से बंजारों की जिंदगी जो इनिशियल स्टेज था, जैसे जानवर खुले फिरते हैं वैसे ही क्या था, वैसे ही जो है आपके इंसान भी था। पहले इंसान भी इसी तरह से घूमा करता था, जगह जगह चीजों को इकट्ठा करता था, इसीलिए उनको गैदरर्स कहा गया। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने देखा कि हाँ हमारा खाना क्या हो सकता है, तो इन्होंने देखा कि हमारा खाना या भोजन
आपके कुछ जीवों को मार करके हम खा सकते हैं। तो इन्होंने टूल्स बनाना शुरू किया, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में स्टोन एज, स्टोन एज के बाद फिर आपके जैसे आपके जो है मेटल एज भी आया। तो उसमें टूल्स में आपने देखा होगा कि स्पीयर्स बनाते थे, ये भाले बनाते थे, या नुकीले औजार जो है आपके औजार बनाया करते थे, वो पत्थरों के भी होते थे स्टोन एज में, और धीरे धीरे करके मेटल एज तक जो है वो औजार बने। उससे क्या होता था, उसको भोग करके जो है आपके एक तरह से जानवरों को मारा जाता था, और मार करके पहले तो लोग कच्चा खाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब आग डेवलप हुई, फायर डेवलप हुआ, तो उसी को क्या कहने लगे, भून भून के खाने लगे। पहले मसाले और ये आपके ये सब बर्तन तो थे नहीं कि बर्तन में डाल करके उसको बना रहे हैं, और ये तो सारी चीजें भून करके ही खाई जाती थी। तो आग जब बन गई तो इस तरह से भून करके खाने लगे, तो वो क्या हो गए, हंटर्स हो गए, हंटर्स के फॉर्म में थे। तो यहीं पर ये जो आप सुमेरियन सभ्यता देखते हैं, तो सुमेरियन सभ्यता जो है सबसे मतलब ये कहा जाता है कि प्राचीन जो है लोग थे यहां पे, और ये जो आपके यहां पर जो लोग थे, तो सुमेरिया का भी, बेबीलोनिया भी, असीरिया भी, इन सब जगह पर, तीन जगह पर तीन अलग अलग साम्राज्य थे, किंगडम था। तो इसलिए लेकिन सब में लगभग लगभग बहुत सारी समानताएं थी, इसीलिए कंप्लीट पूरे जो है तीनों सभ्यताओं को मिला करके मेसोपोटामिया सभ्यता कहा गया। इस रीजन में क्या था, इस रीजन में बहुत तेजी से कई चीजें डेवलप हुई, जैसे 60 बेस सिस्टम डेवलप कर लिया इन लोगों ने देखते देखते। 60 बेस सिस्टम क्या था, 60 बेस सिस्टम जो पहुंचा कहां, जो आपके ये भूमत सागरी क्षेत्र में रहने वाले यहां पर यूनान है, अभी आप देखेंगे तो जो ग्रीस है, ग्रीस में पहुंचा। तो यहां से ग्रीस पहुंचने कैसे पहुंचा या किस प्रकार से पहुंचा होगा, तो यहां पे एक तरह से मैथमेटिकल चीजें ज्यादा डेवलप हुई। तो 60 बेस सिस्टम क्या था, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 जो है आपके मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और किसी सर्कल के चारों तरफ घूमने पर 360 डिग्री होती है। ये जो ये चीजें थी, ये सब सुमेरिया से ही डेवलप हुई, यहां से ही डेवलप हुई, यहां और बेबीलोनिया, ये दो क्षेत्र थे जो बहुत साइंटिफिक थे, जिसमें ज्यादातर सुमेरियन जो है आपके बहुत ज्यादा साइंटिफिक उसमें थे, और मैथमेटिक्स एक तरह से की शुरुआत आप ये कह सकते हैं कि इसी जगह से लगभग लगभग जो है आपके इस तरह से हुई। तो 60 सिस्टम इन्होंने बनाया, 60 बेस सिस्टम जिसको कहा गया, यही के लोगों ने लगभग लगभग चीजें जो है आपके ऐसी डेवलप करी, जैसे पूरा एलजेब्रा जिसको हम लोग कहते हैं, एलजेब्रा का डेवलपमेंट इसी क्षेत्र से हुआ है, और यही एलजेब्रा पहुंचा कहां, यूनान में, ग्रीस में पहुंचा, और उसी एलजेब्रा से फिर मैथमेटिक्स डेवलप हुआ। जो असीरिया और आपका ये रीजन था बेबीलोनिया, ये दोनों रीजन में सबसे ज्यादा क्या चीज डेवलप हुआ, इनमें डेवलप होने वाली जो चीजें थी वो सबसे ज्यादा आपके एक तरह से सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी पे इन्होंने काम किया। सेलेस्टियल बॉडी मतलब काफी जो है आपके एक तरह से चीजों को ये एग्जामिन करते थे, तारों का आकार कैसा है, दो तीन तारे मिलकर के कौन सा शेप बना रहे हैं, तो किस तरह से जो है आपके तारे क्या होते हैं, या फिर कौन सा ग्रह जो है निकल गया, या जो है आपके इस तरह से जितने भी पिंड हुआ करते थे उनको ये देखा करते थे, ऑब्जर्व किया करते थे। पहले तो ये सब चीजें नहीं पता थी कि कौन तारा है, कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है, बहुत डिफाइन तो हुआ नहीं था। तो उस समय उनको सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी किसको कहा जाता है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले, यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी बड़ी बॉडीज हैं उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज को देखा करते थे। और तब तक उन्होंने आपके एक तरह से लगभग लगभग जो ग्रह आज हम लोग आप जानते हैं, उन लोग बहुत पहले से ही खोज चुके थे ये सारी चीजें। और जो आपके मंथ हैं 12, तो ये सुमेरियन कैलेंडर से ही आए हैं। तो सुमेरिया ने अपना कैलेंडर बना लिया और एक साल को 12 महीने में बांट दिया, और 12 महीने और हर एक महीने में 30 दिन को बांट दिया। और ये जो है आपके काम कहां पे हुआ ये, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन कैसे होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि 12 महीने कहां से आए, या इनका नामकरण कैसे हुआ, और 7 दिन कैसे बनते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग, इतने इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम लोग एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे पढ़ेंगे,
तो वास्तव में अभी तक आप कुछ जानते नहीं, अभी सिर्फ नाम जानते हैं कि हाँ मंडे इसको कहते हैं, ट्यूसडे इसको कहते हैं, लेकिन मंडे क्यों कहा जाता है, ट्यूसडे क्यों कहा जाता है, और ट्यूसडे के बाद ही वेंसडे क्यों आता है, ये सारी चीजें अगर आप जान जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये पूरी एस्ट्रोनॉमी है। तो एक तरह से जो एस्ट्रोनॉमी थी वो डेवलप यहां से हुई, और ये क्षेत्र आपके बहुत तेजी से डेवलप होना जो है डेवलप हुए, और इन जगह पर ये सारी चीजें जो है आपके एग्जामिन होने लगी। तो यहां के लोग, अब बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो कि आपने देखा कि यहां पर जो है बने हुए हैं, खूब स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स हैं, बहुत सिस्टमैटिक वे से इन्होंने अपनी सभ्यताओं को बसाया था। यहां पर भी तीन वर्ग थे। तो यहां पर जैसे जो सुमेरियन सभ्यता है, इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी सिंधु घाटी सभ्यता की आती है। तो ये सारी जो सभ्यताएं हैं इनको अगर आप देखेंगे तो जो आपके सभ्यताएं हैं वो बहुत ही जो है आपके पास पास है। तो ये जो आपके एक तरह से ये सभ्यता देख रहे हैं, ये है आपके एक तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता जो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, और ये जो आपका रीजन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये रीजन जो है ये है इजिप्शियन जो है आपके एक तरह से इजिप्ट जो आपके क्षेत्र होता है, तो ये सभ्यता यहां पर बसती है। ये तीन मेन सभ्यताएं का रीजन था, और यहीं से सारी चीज, ये यूनान का क्षेत्र होता है, ये यूनान है, तो यहां से ज्यादातर चीजें यहां पर पहुंची। यूनान कैसे पहुंची या किस तरह से पहुंची तो हम देखते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से कुछ चीजें सिमिलैरिटी यहां मिलती है। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता में यहां पर लोग आए कैसे, पहले तो यहां कोई रहता ही नहीं था, यहां कोई था ही नहीं, यहां पर लोगों को पता ही नहीं था कि यह भूमि भी है, तो यहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि एशिया कुछ दूरी तक ही बसा था, ये सब पूर्वी क्षेत्र में, इंडिया में कोई नहीं था, कोई नहीं रहता था, कोई जानता भी नहीं था इंडिया को, कोई चीन को भी नहीं जानता था, कोई रशिया को भी नहीं जानता था, इस पूरे पूर्वी रीजन में कोई नहीं किसी को जानता था, जो एशिया था वो सीमित कुछ दूरी तक ही तक था। तो यहां से इसका कनेक्शन कैसे हुआ, सुमेरिया में जो आपके स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी। तो यहां पर क्या है कि मेनली जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिमिलैरिटी आपके सुमेरियन जो है आपके सिविलाइजेशन की मिलती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग आर्य और द्रविड़ लोग कहां से आए, पश्चिमी एशिया से। तो यहां पर जो लोग रहते थे सुमेरिया सभ्यता में वो आर और द्रविड़ थे, और यही आर और द्रविड़ जब इधर से प्रेशर पड़ता गया और यहां पर यूनानियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया ग्रीस से, तो यहां के लोग धीरे धीरे खिसकने लगे, और खिसक करके इन्होंने यहां पर नदी देखी और सिंधु घाटी सभ्यता उसी के बाद बसी। तो 2500 तक तो ये यहां बसे रहे, 2500 तक, 4500 BC से लेकर के 2500 तक यहां बसे रहे, और 2300 से इन्होंने बसना यहां शुरू कर दिया। 2300 BC से 1750 BC में यहां पर जो है आपके एक तरह से डेवलपमेंट होने लगा। तो जो सुमेरियन सभ्यता है, जो सुमेरिया में रहने वाले लोग हैं, तो ये सुमेरियन सभ्यता यहां पे आर और द्रविड़ है, और यहां भी जो सोसाइटी थी वो तीन पार्ट में बांट दी गई थी। अब ये तीन पार्ट क्या है, जैसे हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भी हम लोगों ने देखा कि तीन चरण में चीजों को बांटा गया था। जैसे पहले चरण में जो उच्च चरण के लोग हुआ करते थे, हाई क्लास लोग हुआ करते थे, उसमें क्या आता था, उसमें राज दरबार के लोग आते थे, राजा आता था, और बाकी जितने भी आपके एक तरह से उनके मंत्रालय में जितने लोग हुआ करते थे, या जितने जो है आपके एक तरह से राज दरबार में लोग हुआ करते थे, वो नोबल पर्सन जो हुआ करते थे वो आपके क्लास 1 पर्सन होते थे। जो दूसरा दर्जा दिया गया था वो किसको दिया गया, वो ट्रेड्समैन को दिया गया, बड़े ट्रेड्समैन जितने हुआ करते थे, जितने व्यापारी वर्ग था जो आपके ट्रेड्समैन हुआ करते थे, उसके अलावा जितने बड़े फार्मर्स थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, तो वो जो है आपके हुआ करते थे। और फिर तीसरे वर्ग में निम्न वर्ग हुआ करता था, निम्न वर्ग में वो लोग जो कि आपके एक तरह से काम करने वाले निम्न स्तरीय लोग, जिनके पास कुछ नहीं था, गरीब थे, वो सब निम्न स्तरीय लोग थे। वही तीन चरण जो यहां पर मिलता है, वही तीन चरण सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसी तरह से डेवलपमेंट हुआ।
सिंधु घाटी सभ्यता में जो कहा गया कि हाँ लोग कहां से आए, आर कहां से आए, द्रविड़ कहां से आए, तो मेनली अगर वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये कोरिलेशन मिलेगा आपको। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी में एक पोर्शन होता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आप हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या है कि ज्योग्राफी समझने से पहले हमें ज्योग्राफी की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में हमने ये देखा कि यहां से ये सभ्यता इस प्रकार से यहां गई। उसी तरह से इसी के जस्ट नीचे, जैसे भूमध्य सागर के नीचे, भूमध्य सागर का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन ये देख रहे हैं, ये मिस्र का क्षेत्र है, मिस्री सभ्यता जिसको कहा जाता है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये मिस्र का भाग है। मिस्री सभ्यता भी कहां पर बसी हुई है, नील नदी के किनारे। उसको भी अगर आप देखें पूरा इजिप्ट का ये पूरा क्षेत्र है, अगर आप देखें, ये देखिए, ये मेसोपोटामिया दिख रहा है, ये मेसोपोटामिया है, असीरिया, असीरिया जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे ऊपर के क्षेत्र में, तो ये पूरा मेसोपोटामिया का क्षेत्र है। और मेसोपोटामिया से लगा हुआ अगर आप देखेंगे ये पूरा रीजन क्या है, ये मिस्री सभ्यता है। तो जहां पे मिस्री सभ्यता खत्म हो रही है यहीं से आपकी मेसोपोटामिया स्टार्ट हो रही है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो, अब ये क्या है, ये मिस्री सभ्यता है, जो कि ये नील नदी आप देख रहे हैं, ये जा रही है नील नदी। तो नील नदी के किनारे पूरी बसी, यहां पर लोग जैसे कपास उगाते थे, कपास उगाना शुरू किया, गेहूं की कृषि शुरू किया, तो ये सारी चीजें जो है यहां पर डेवलप हुई। यहां पे एक पेड़ हुआ करता था और पेड़ की बड़ी बड़ी पत्तियां थी, उस पेड़ को क्या कहा जाता है, पेपरस। एक बहुत बड़ी चीज जो यूनान वासियों को मिली। अब यहां से क्या है, अगर आप देखेंगे तो सारी चीज बहुत क्लियर आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये जो आपका रीजन है, ये पूरा रीजन जो है यहीं से, अब ऊपर जो आपके यूनान का क्षेत्र है, तो यूनान के क्षेत्र में ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये यूनान का क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला रीजन। तो यूनान के क्षेत्र में ही यहां से और यहां मेसोपोटामिया से दोनों जगह से आपके एक तरह से चीजें पहुंची। तो अब यहां से कैसे पहुंची, ये जो रीजन है इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पहुंची। वो क्या था, जैसे हमने आपको बताया कि इजिप्शियन क्षेत्र में यूनान, ये इजिप्शियन क्षेत्र में जो आपके मिस्र का क्षेत्र जिसको कहा जाता है, तो मिस्र के क्षेत्र में एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है पेपरस। पेपरस जो है वो बड़ा चौड़े पत्तों वाला होता है, तो लोग क्या करते थे, उस चौड़े पत्ते वाले उसमें लिखा करते थे। और जब लिखते थे या उस पे लिख कोई चीज लिख दी जाती थी तो बहुत अधिक समय तक रहती थी। तो जिसको मैनुस्क्रिप्ट के रूप में, जैसे मान लीजिए आप पहले यूज किया जाता था, तो उसी तरह से आपके पेपरस नामक जो है आपके ये, और उसी पेपरस पर क्योंकि लिखा जाता था उसी से पेपर शब्द बना है। जो पेपर आज जिस पर हम लोग लिखते हैं, तो पेपर शब्द कहां से आया, पेपरस जो है आपके पेड़ से आया। और पेपरस नामक पेड़ जो था उस जो है आपके लीफ पर चीजों को लिखा जाता था, उसी पर ड्राफ्टिंग होती थी, उसी पर लिखा जाता था। तो ये जो है ये सारी चीज यहां से पहुंची। यहां की जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता की चीजें अब यहां पर मिस्र में कैसे पहुंची, इस मिस्र में यहां पर पहुंची कैसे, जब 331 BC में यहां पर क्या हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहां पर आकर के आक्रमण किया, क्योंकि उसने ये सुना कि ये यहां के लोग बहुत, यहां का साम्राज्य भी बड़ा था और तीनों जगह के तीनों साम्राज्य जो यहां पर थे ये बहुत ही ज्यादा, चाहे वो सुमेरियन जो है आपके साम्राज्य था, या बेबीलोनिया का था, या असीरिया का था। तो सुमेरिया जो ये पारा पार्ट होता है, जो बेबीलोनिया ये वाला पार्ट होता है, और असीरिया ये वाला पार्ट, इन तीनों पोर्शन में जो है आपके डेवलपमेंट बहुत था। जो लोग थे वो बहुत ज्यादा चीजों को जानते थे, यहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार कर लिया था। अब जैसे घड़ी खुद ब खुद बना दिया, घड़ी का स्ट्रक्चर कैसे बनाया, बहुत आसानी से देखिए कैसे बनाया, एक लंबा सा रॉड लिया ऐसे, और उसको एक पेपर पे एक नीचे प्लेट पर ऐसे खड़ा कर दिया,
और उसको ईस्ट की तरफ से, जैसे मान लीजिए सूर्य आ रहा है और वेस्ट की तरफ जाएगा, इसको ऐसे खड़ा कर दिया। अब ये ईस्ट फेसिंग है, इधर से जैसे मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट, तो इसको ऐसे खड़ा कर दिया। अब क्या होता था कि जब पूर्व से इधर से जब ये निकलेगा सूर्य, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहां पड़ेगा, इसके इधर की तरफ। यहां पे एक लाइन होती थी, इस लाइन पर जब प्रतिबिंब होता था, सुबह का 6 बजा है, अब इधर की लाइन पर पहुंचा तो 7 बजा है, इधर की लाइन पे पहुंचा तो 8 बजा है, और इसी तरह से अगर सूर्य मान लीजिए इधर से आ रहा है, तो ये जो है आपके एक तरह से इमेज ऐसे फॉर्म हो रही है। तो जब सूरज इधर है तो इमेज ऐसे बनी, सुबह का मान लीजिए 6 बजे, 12 बजे बीच में आ गई क्योंकि हेड के ऊपर रहेगी, तो इसकी इमेज यहां फॉर्म हो रही है, और शाम में इधर से जा रही है इधर की तरफ फॉर्म हो रही है। तो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि यहां पर ऐसे लकीरें खींच दी उन्होंने, और उस पर दिन टाइम लिख दिया, इतने बजे इतने बजे इतने बजे इसकी शैडो जहां पहुंच रही है, तो उससे क्या हो जाता था, समय का पता चल जाता था। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो यहां पर आपके बेबीलोनिया में और जो है आपके सुमेरिया में डेवलप हो चुकी थी। ये सारी चीजें तब तक यूनान में नहीं पहुंची थी। तो यूनान में, ग्रीस में कैसे आपके इन्वेट हुआ, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहां पे आक्रमण किया 331 BC में, और पूरे क्षेत्र को, तीनों साम्राज्य को हरा दिया, तीनों साम्राज्य को लूट लिया, और तीनों साम्राज्य की जितनी चीजें थी सबको जो है आपके एक तरह से हथिया लिया, और यहाँ के बहुत सारे लोग, कहा जाता है ऐसा, क्योंकि जो आपके बुक्स में अगर यूरोपियन राइटर्स की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जैसे स्टॉलन स्टॉलर ने लिखा है इन चीजों को, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां से जो है आपके माइग्रेट कर गए या ले जाए गए जो है यूनान के क्षेत्र में, जिनको बहुत नॉलेज थी, तो इसलिए यहां की जो डेवलपमेंट्स थे वो अपने आप यहां पहुंच गए इस जगह पे। यहां के लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट यहां पे हुआ करता था, इजिप्ट में हुआ करता था, इसलिए ऐसी कंडीशन में यहां से जो है आपके बहुत सारी चीजें जो डेवलप इन लोगों ने करी। खैर यहां तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन बस यहां की एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पेपरस। तो पेपरस नामक पत्ते जब यहां से गए तो उस पर लिखना शुरू हुआ, यहां पर स्क्रिप्ट लिखी गई। तो पहले यहां पर स्क्रिप्ट नहीं थी, ना तो सुमेरिया में थी, ना ही जो है आपके एक तरह से बेबीलोनिया में थी, ना असीरिया में थी, लेकिन यहां जब पहुंचे तो यूनान में पहली स्क्रिप्ट शुरू हुई। और यूनानी स्क्रिप्ट जो होती है, जो ग्रीक जो है स्क्रिप्ट है, वो सबसे प्राचीन इसीलिए मानी जाती है। वजह यह है कि उससे पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं बनी थी, और धीरे धीरे करके ये स्क्रिप्ट जो है आपके डेवलप हुई। तो मिस्र में जा करके आपके एक तरह से ये सारा जो है एकोमोडेशन हो रहा है, ये सारी चीज अकोमोडेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है वहां जा करके, और ये सारी चीजें यहां से जो आपके एक तरह से गई। उसके अलावा इन रीजन्स में, जो यूनान का क्षेत्र था वहां पर भी अगर हम लोग देखें, तो उस रीजन में भी, तो ये रीजन जो है इसमें, ये यूनान है, और इटली के यहां पर एक शहर है, इटली के शहर में यहां पर रोम है, रोम। तो रोम जो है आपके यहां है और ग्रीस ये है, तो रोम और ग्रीस में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब रोम और ग्रीस में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है या किस प्रकार से हो रहा है, तो इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन हो जाता है कि रोम और जो है आपके इस ग्रीस में कैसे डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इससे पहले हम लोग ये क्लियरली समझ लें कि ये जो आपके एक तरह से सभ्यता थी यहां पर मेसोपोटामिया वाली, तो इसका और जो मिस्री सभ्यता, दोनों का इफेक्ट यहां पर पहुंचा। और जब आक्रमण हुए, अलेक्जेंडर ने जो है आपके एक तरह से खदेड़ा और भगाया लोगों को, और इस तरह से आक्रमण होते चले गए, तो धीरे धीरे लोग जो है खिसकते चले गए और ये माइग्रेट करके चले गए। और कहा जाता है कि यहां से जो लोग आपके आकर के बसे, तो इनको जो नदी मिली, तो वो पहले मिली थी सिंधु घाटी, तो सिंधु नदी मिली, और सिंधु नदी के आसपास लोग बसने लगे। फिर और लोग, क्योंकि आपके अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लगातार पश्चिम एशिया से आक्रमण हुए हैं, तो लगातार जो आक्रमण हुए हैं, तो धीरे धीरे करके जो लोग यहां बसे थे वही धीरे धीरे करके दक्षिण भारत की ओर गए। और दक्षिण भारत की ओर जो लोग गए वो क्या थे, वो
वो जितने भी लोग यहां पर पहुंचे ये सबसे प्राचीन लोग माने जाते हैं इसीलिए। और दक्षिणी भागों में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो सबसे प्राचीन लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? द्रविड़। और जितने भी भारत में लोग बसे उनको क्या कहा जाता है? आर्य। आर्य क्यों कहा गया? क्योंकि यहीं से आर्यंस जिनको कहा जाता है और द्रविड़ ये दोनों जो है यहां से माइग्रेट किए। तो द्रविड़ जो है ये सबसे प्राचीन लोग जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में रहते हैं वो सबसे पहले आपके इंडिया में आए। उत्तर भारत में तो बहुत बाद में आए, हम लोग जहां रहते हैं उत्तर भारत के क्षेत्र में वहां तो बहुत बाद में चीजें बसी, पहले इधर की तरफ जो है आपके एक तरह से माइग्रेट करते गए और यही द्रविड़ नीचे की तरफ खिसकते गए। तो जितना दक्षिण भारत की तरफ आदमी होगा उतना प्राचीन जो है आपके समय से आया है वो, और जैसे जैसे उत्तर की तरफ चलते चले जाएंगे उतना नए लोग जो है बसते चले गए। तो ये जो है आपके डेवलपमेंट यहां पर, तो ये सारे कनेक्शन सब एक एक जैसे थे, एक ही जो है आपके वजह से थे। तो इसलिए नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो इन सभी जगह पर जो भी आपके एक तरह से जो लोग डेवलप हुए या जो भी चीजें डेवलप हुई वो सब एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड है। तो इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारी, अगर आप सुमेरियन सभ्यता पढ़ेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आपके एक तरह से बहुत ही सिमिलैरिटी मिलती है। और इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री में अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि आपके इन दोनों को कोरिलेट करने का, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आप कोरिलेशन करके ही उस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके इस क्षेत्र से हुई। तो ये चीजें, अब था क्या, भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ या किस तरह से ज्योग्राफी डेवलप हुई। तो हमने आपको बताया ज्योग्राफी का डेवलपमेंट रोम और ये जो है आपके यूनान के क्षेत्र से हुआ। अब ये यूनान और रोम, रोम के क्षेत्र से कैसे डेवलपमेंट होता है यही हम लोगों का सेकेंड पार्ट है इसी जो है इसका। तो हम लोग सेकेंड पार्ट जो है आपके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है आपके जो है ज्योग्राफी डेवलप हुई और यूनान के क्षेत्र से और रोम के क्षेत्र से कैसे जो है उदय हुआ ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के मतलब क्या है, ज्योग्राफी डेवलप हो रही है इसके मतलब क्या चीज डेवलप हो रहा है, तो ये जो है आपके क्लियर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।